मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम निकल रहे हैं ठिकड़ी से कोवलम के लिए, कोवलम त्रिवेंद्रपुरम वॉट एवर इट इज़। एंड सुबह के 8:30 बज रहे हैं, हम नहा धो के सब रेडी हो गए हैं। रात ही आए, नाइट स्टे किया बस। एंड हमें ऐसा लगा हमने इसमें गलत इन्वेस्ट कर लिया। इट्स अ ठीक ठाक होटल बट प्राइसी था, एंड ओवर ओनली फॉर द नाइट स्टे। थोड़ा हमें लगा कि हम कहीं एडजस्ट कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, थोड़ा लग्जीरियस इस बार फील किया है हमने अपने वेकेशन को। एंड पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, एंड आपको थोड़ा सा होटल का व्यू दिखा देते हैं। कमिंग, यहाँ से ऐसा व्यू आ रहा है। कमिंग बेटा, कमिंग। आजकल शौर्य ने बड़ा खून पी रखा है। चलो, ठंडा हो रहा है ना, हवा अच्छी चल रही है। ओ वाओ, ये लिफ्ट है। लाओ भाई, लिफ्ट भी दिखा दे। ये री लिफ्ट। मैंने भी बस ऐसे रफली बाल ट्राई कर लिए थे, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो मैंने कपड़े भी ऐसे पहने हैं जो मैं कन्वीनियंटली ट्रैवलिंग में कैरी कर पाऊँ। पहुँच गए। आई थिंक इट्स बुफे ओनली। दिन गेट ओपन करना। चलो, क्यों, कहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे? शौर्य कह रहा है ऊपर चलो, रूम में चलो। संदीप गए हैं ब्रेकफास्ट लेने, एंड मैंने बाल बस ऐसे ही रख ली, कुछ कर लिए। मुझे खाने का भी मन नहीं है और डर और लग रहा है, इतना लंबा ट्रैवल है। प्रिया, क्यों बैठे हैं? ब्रेकफास्ट के लिए। क्या मंगाया है? मैंने मसाला डोसा, पूरी भारी से बेटर है मसाला डोसा, तो मैंने वो मंगाया है। ओके, बाकी लेट्स सी। एंड छोरी, श्योर श्योर, आप क्या खा रहे हो? बटर कट कर रहा है बस, इतनी नाइफ लेके बैठ रहा है। छोरी खा लो बेटा, बेटू खा लिया करो ना। हाँ, अब हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है, बस निकल रहे हैं हम होटल से। अच्छा होटल था, सर्विस भी अच्छी थी। एंड अब हम जा रहे हैं कोवलम। 5 to 6 hours जर्नी, लेट्स सी हाउ इट गोज। वी कीप ऑन अपडेटिंग। अभी हम आए हैं टी फैक्ट्री में, एंड ये वहीं पे कुछ होर्डिंग्स लगी थी, इसकी मैंने कुछ क्लिप लिए। कुछ खास तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि हम फुल प्रोसेस वहाँ देख नहीं पाए, लेकिन हमने टी गार्डन का व्यू ज़रूर इन्जॉय किया था। अभी हम आए एक टी फैक्ट्री में, बट यहाँ की फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा है, तो हमने सोचा सिर्फ टी गार्डन देख लें। एंड सॉरी, सो रहा था, अभी सबको उठा रहा। एंजल बेबी वॉमिट हो गई उसको, एक बार उसको बैठते चक्कर आ जाते हैं। थोड़ा स्टार्ट तो मुझे भी हो रहा है, बट मैं ध्यान रखूँगी अपना, मैंने टैबलेट खा ली है। हाँ, क्या बताया रहा भैया ने? दिस इज़ दी व्यू। व्यू तो बहुत मस्त आता है, लेकिन यहाँ तक आना बड़ा स्ट्रगलिंग हो जाता है। केरला विजिट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर एवरीवन। वाओ, व्हाट अ ग्रेट, मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया था। व्हाट अ लवली व्यू, कैन यू सी दिस फ्रेंड्स? दैट्स व्हाई क्यूट। देने के लिए लेनी तो पड़ेगी। हाँ हाँ, चाय, टी से बना लो चाय। बाप बेटा लगा रहे, मैं लगा रही हूँ, मुझे परेशान करते रहते हैं। लेट्स एंजॉय द व्यू। धूप भी है, ग्लासेस मेरे कार में रह गए, मैं लेने नहीं जा रही। हाँ, क्या बंद करो? अच्छा बताओ अभी। हाँ मना करूँ, पता नहीं किस बात के लिए कह रहा है। कहाँ हुआ, मैंने ऐसे डाल ली है बास्केट। मेरा मेरा कप। आप भी तो चले जाना बेटा, ऊंचा नीचा है, स्लोली। यहाँ आए हम थोड़ा फोटो सेशन कराने, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ, चलना कन्वीनियंट नहीं है, काफ़ी अनइवन रहता है। हाँ, लीव्स है ना, टी की लीव्स है, टी लीव्स।
मैं भी अब थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। आई डोंट नो एक्चुअली, बट छोटी छोटी लीव्स आई थिंक होती हैं, दो चार तोड़ लेती हूँ। आज फैक्ट्री मिस हो गई इस वजह से। हो गया काम मेरा। डैड और क्या कर रहे हो? डाकू। कम बेटा। हम्म, चलिए और यहाँ आए हम फैक्ट्री आउटलेट में बिल्कुल फ्रेश टी लेने। लेट्स सी क्या चार्जेस होते हैं यहाँ के। टी हम देख तो आए बट वो हमें बहुत एक्सपेंसिव लगी, बट इवन देन हम एक पैकेट ले रहे हैं हाफ के जी का। संदीप लेने गए, मैं शौर्य को संभाल रही हूँ। बेसिक मार्केट में भी मिल जाएगी और यहाँ से भी ले लेते हैं, तो दोनों मिक्स कर लेंगे। मींस देख लेंगे, थोड़ी घर के लिए रख लेंगे, थोड़ी गिफ्टिंग के लिए दे देंगे। एंड इट्स ऑथेंटिकली प्योर। हाँ क्या पीटू पीटू ऐसे तोड़ते नहीं है बेटा। टी गार्डन देखने के बाद हम कोवलम के लिए निकले थे, तो ऑन द वे हमने खाई थी संध्या। एक लोकल शॉप थी, हमारा ड्राइवर लेके आया था, तो ये वही सब है। एंड मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या सर्व होता है, एंड फिर हमने एक ही थाली ली थी क्योंकि नई चीज़ थी, हमें टेस्ट का कुछ अंदाज़ नहीं था। एंड हम राइस के इतने हैबिचुअल भी नहीं है, तो मैंने तो पनीर बटर मसाला भी ऑर्डर किया था और एक संध्या ऑर्डर की थी, तो संदीप के साथ थोड़ा सा मैंने शेयर कर लिया था। एंड टेस्ट ठीक था, मुझे कोकोनट सब्जियों में अच्छा नहीं लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ फाइनली, इतने बड़े ट्रैवल के बाद 5 से 6 घंटे लग गए, हम होटल पहुँच गए हैं। एंड अब चेक इन के टाइम में भी थोड़ी बहुत प्रोसीडिंग्स तो होती है। एंड उन्होंने हमें स्टार्टर में बड़ा अच्छा ऑरेंज जूस सर्व किया था, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। लगेज रखा है, अभी रूम अलॉट हो रहा है इसलिए हम वेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम होटल में चेक इन करके फ्रेश हो चुके हैं, थोड़ा फेस वॉश किया, फिर थोड़ा रेडी हुई, बाल बाल कोम कर लिए, ड्रेस नहीं चेंज की क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ पे वैसे हमें शायद लुंगी वगैरह पहननी है, तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एंड बाकी मैं सब शॉर्ट ड्रेसेस लाई हूँ, यही लेगिंग जेगिंग है मेरे पास, तो मैं ये नीक को पहन के जा रही हूँ। एंड वहाँ जैसा होगा उस हिसाब से वहाँ यूज़ कर लेंगे, तो बस होके आते हैं। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा महंगा और एक्सपेंसिव वाला मंदिर है, बाकी जो डिटेल्स होगी मैं फर्दर आपको बताती रहूँगी। चलो, ये है वो ब्यूटीफुल सा टेंपल। काफ़ी रश था और यहाँ का कॉन्सेप्ट था कि आप धोती के बिना नहीं जा सकते, अगर आपने साड़ी पहनी है तो ओके, बट आप सूट वगैरह में नहीं जा सकते। मेरे हिसाब से आई थिंक उनको लेग्स नहीं दिखने चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ का कुछ होगा। तो सब लोगों ने लुंगी पहन रखी थी, एंड जेंट्स को तो ओनली दी लुंगी पहननी थी, नो बनियान एंड ऑल दैट। तो मैंने नीचे अपना लुंगी पहन ली थी, एंड वो कॉटन के कपड़े फर्दर भी आपको यूज़ हो सकते हैं। बट काफ़ी अच्छा टेम्पल था, काफ़ी बड़ा था, हम लोग लेट हो गए थे, सबसे लास्ट में हमें दर्शन मिले। कैमरा अंदर अलाउड नहीं है, तो हमें इसे जमा करना पड़ेगा, तो मैं अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊंगी। एंड हमें धोती पहन के जाना है, हमने तीनों के लिए धोती खरीद ली है, वी हैव टू परचेज इट। लेट्स सी आगे क्या प्रोसीडिंग होती है।
हम अंदर देख रहे हैं मंदिर को दर्शन कर रहे हैं चौरे एंड चौरे के पापा लुंगी में एंड मी ऑल्सो इन लुंगी। तो अब हम फोटो सेशन कराएंगे बाहर से, वी कांट इवन वॉक। चौरे स्लोली ड्राइवर भैया को फोन कर देते हैं, वो ले आएंगे। मैडम जूस पीने कमी लगी बहुत ज्यादा। और शोर क्या खा रहा है? कोकोनट बर्फी बुआ के लिए रख दो, बुआ को देंगे रख दो। हम लोग जा रहे हैं बाहर, बहुत दिन से मतलब दो तीन दिन से हम बुफे में डिनर कर रहे हैं। आज हमने कहा बाहर जाके खाएंगे, कुछ अलग ऑथेंटिक लिखते हैं यहाँ का केरला का। लंच में आज हमने खाई थी संध्या थाली, वो बहुत बड़े रेस्टोरेंट पे नहीं थी, नॉर्मल सी थी, नॉमिनल थी। आज संदीप का मन है, अगर हमें संध्या मिलेगी तो संदीप वो खाएंगे। मैं तो भाई देसी अपना पंजाबी मुझे मिल जाए अपना दाल वाल तो मैं वही खाने वाली हूँ। तो बस उसी के लिए हम बाहर जा रहे हैं। और बाकी ब्रेकफास्ट तो हमारा ऑल इंक्लूसिव है, डिनर का यहाँ चल रहा है ऑफर बट हम नहीं ले रहे हैं, हम बाहर जाके ही लेंगे। चलो अभी हम अपने होटल से निकल के बाहर ही घूम रहे हैं एंड कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं एंड फाइनली मुझे एक पंजाबी ढाबा करके रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ मुझे ऑथेंटिक पंजाबी दाल रोटी मिलेगी। एंड सच्ची बता रही हूँ पूरी ट्रिप में आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा अपना मील यहीं पे इंजॉय किया होगा। रात को हम केरला की सड़कों पर घूम रहे हैं त्रिवेणीपुरम की, इसी का भी अपना अलग मज़ा है। हर चीज़ होटल में अवेलेबल हो जाए तो फिर बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। एंड हमारा कैब एंड ड्राइवर है मीन्स, बट हमने उसको रात को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने कहा पास में तो हम अपने आप वॉकिंग में चले जाएंगे। पूरे दिन आज ट्रैवलिंग हो गया। फ्रेंड्स हम रूम पे वापस आ चुके हैं, खाना खा लिया, पंजाबी ढाबा था, इंडियन अपना ऑथेंटिक खाना मिला, दाल रोटी सब्जी, मुझे तो बहुत मज़ा आया। संदीप ने उतना नहीं खाया क्योंकि उन्होंने दिन में वो क्या खाई थी, संध्या खाई थी, उन्होंने पूरी वो खाई थी तो मैंने वो नहीं खाई थी। अब मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने पेट भर के खाना खाया। शौर्य ने लास्ट में एक निवाला खाया, अभी वो दूध पी रहा है बट उसका दूध ख़त्म हो गया। हमने थोड़ा बहुत ऑर्डर किया था होटल से, अब रात के लिए फिर से ऑर्डर करेंगे। तो मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हूँ, फुल डे ट्रैवलिंग रहा है, उसके बाद भी थोड़ा बहुत घूमे घामे। तो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं एंड मिलेंगे कल। कल हम कोवलम बीच वाला ब्लॉग बनेगा हमारा, जो भी कोवलम में घूमने का होगा कल वो फिनिश करेंगे, परसों जाएंगे हाउस बोट के लिए एंड देन दी रिटर्निंग। तो काफ़ी टायरिंग है ये केरला हॉलीडे वेकेशन बट ठीक है, कहीं घूमना है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है, तो बस इसीलिए ठीक है। टिल देन बाय।